कसूरी मेथी हम डालेंगे कड़ी के ऊपर। वाह ये देखे जी। अस्सलाम वालेकुम, बाजमा डेली में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कड़ी, वो भी चाटी की लस्सी की। तो ये चाटी की जो लस्सी है ये जग है फुल, ये मैंने कल बना के फ्रिज में रख दी थी ताकि थोड़ी खट्टी हो जाए, इससे कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये कि सर्दियां हों तो आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, आजकल गर्मी है इसलिए इसको फ्रिज में रखना पड़ा। तो एक जग ये लस्सी है, उसके साथ 200 ग्राम बेसन, एक कप कुकिंग ऑयल, छोटे साइज़ का कप है ये, नमक है 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च पिसी और कुटी हुई 2 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा जो है 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। इसके साथ ये मैंने पेस्ट लिया है सब्ज़ धनिया और पुदीने का, ये मैंने फ्रीज किया हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये होगा। तो ये आजकल धनिया आसानी से मिलता नहीं है, तो जब धनिया वाफर मकदार में था तो तब मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था पुदीने के साथ बना के, ये रायते के लिए भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसके साथ कसूरी मेथी ली है मैंने 2 टेबल स्पून, ये जो है जब सीज़न होता है तो आप ले के इसको काट के छाँव में सुखा लें और इसको पैकिंग करके इसकी रख लें, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू और टेस्ट होता है, बजाय कि आप डिब्बे की यूज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बाहर सब सब्ज़ियाँ होती हैं, तो मैं उनको देखती हूँ कि जिसको मुझे इस तरह पैक करके रखना है तो मैं उसको सुखा के, पालक होगी या धनिया या मेथी, तो मैं बना के रख लेती हूँ। इसके साथ खड़े मसाले हैं, उसमें दालचीनी के ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टुकड़े लिए हैं, 2 तेज़पत्ते हैं, बड़ी इलायची है 3 से 4 अदद, लौंग साबुत काली मिर्च, उसके साथ ज़ीरा है साबुत, 3-4 गोल सुर्ख मिर्चें, ये सब खड़े मसाले तकरीबन जो आम हम यूज़ करते हैं वो मैंने लिए हैं। इसके साथ 2 टमाटर हैं कटे हुए और मीडियम साइज़ का 1 प्याज कटा हुआ। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, हम फ्लेम ऑन है, अब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप, स्मॉल कप लिया मैंने फुल भर के। इसके साथ ही डाल देंगे जो मीडियम साइज़ का 1 प्याज काटा था, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। देखें लहसुन प्याज दोनों का कलर जो है चेंज हो गया, लाइट ब्राउन ब्राउनिश सा कलर इसका हो गया। अब हम डालेंगे टमाटर, इसके साथ ही जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून सिर्फ कुटी और पीसी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और जो ये पेस्ट मैंने लिया था पुदीना और धनिया का, ये जाएगा। अब टमाटर ही अपना पानी छोड़ेंगे जिसमें इसका मसालों की जो है वो बनाई हो जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे भी दूँगी साथ, इसमें थोड़ा सा छींटा देंगे हम पानी का क्योंकि मसाला काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए कितना सा मसाले की बनाई होते तक हम जो है ये तैयार करते हैं इसको, बेसन को लस्सी में। ये उसी तरह ही होगा जैसे आप कस्टर्ड या आइसक्रीम के लिए थोड़ा सा दूध ले के उसको आप मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ लस्सी ले ली है जग में से, अब इसमें मैं डालूँगी बेसन, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, लिक्विड वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जो देखें इसका एक हल्दी है, जब मैं डालूंगी मैं छाने से छान के डालूंगी क्योंकि कई जो नए बनाने वाले हैं उनसे ज़रा हो सकता है कि वो अच्छे तरीके से इसको जो है वो मिक्स ना कर पाएँ। मसाले की हमारी भुनाई होगी अच्छे तरीके से, अब हम इसमें डालेंगे लस्सी। बिस्मिल्लाह, लस्सी ज़्यादा गाढ़ी हो तो आप इसमें हाफ जग जो है वो पानी भी मिक्स कर सकते हैं, इसके अंदर मैं 1.5 ग्लास जो है वो पानी और शामिल कर रही हूँ। अब हमने जो इसके लिए तैयार किया हुआ इसका स्मूथी इसकी रेडी है हमारे पास, अब वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको छान लें, नीचे बिल्कुल स्मूथ चला गया, उसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं बनेगी, मज़ीद रहता है वो भी हम डाल दें। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अब साथ ही हम इसके अंदर जो साबुत गरम मसाले थे वो अब हम डाल रहे हैं, मैंने किसी चीज़ को तोड़ा नहीं है, ऐसे ही देखें मोटी इलायची भी मैंने ऐसे डाल दी है, दालचीनी भी, ये मैं इसके किनारों पर थोड़ा सा मक्खन लगा रही हूँ, आपके पास घी है घी लगा लें, थोड़ा सा बस ग्रीस करना है। ये भी एक ट्रिक है कि बॉयल आएगा तो बाहर नहीं गिरेगी आपकी कड़ी, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, कड़ी के अलावा भी कुछ हो, खीर वगैरह बना रहे हैं आप तो ये आपने लगा देना है। और अभी आपने चम्मच जो है
और रेगुलर हलाना है इसमें, क्योंकि जब तक पहला उबाल नहीं आता तब तक आप इसको बहुत आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जब उबाल आ जाता है फिर अंदर ये पकती रहती है, फिर इतनी टेंशन की बात नहीं, फिर आपने बस इसको थोड़े थोड़े वक्फे से हलाना है। हाँ जी, हम कढ़ी हमारी तैयार हो रही है, हम पास पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 100 ग्राम बेसन है एक कप भर के, उसके साथ पुदीना है बारीक कटा हुआ थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून दही है, दही खट्टा होना चाहिए ताकि टेस्ट अच्छा आए, ज़ीरा और धनिया का ये 1 टेबलस्पून पाउडर है, 1 टीस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी और पिसी हुई सुरख मिर्च जो है वो मिक्स की हुई है वो है, साथ एक स्मॉल साइज में प्याज है बारीक कटा हुआ। तो चलिए जी हम इसका मसाला तैयार करते हैं। बेसन लेंगे, बेसन आपने छान लेना है पहले, तो मैंने कढ़ी का और इसका पकौड़ों का बेसन इकट्ठा छान लिया था। अब जाएगा इसमें प्याज, सब्ज मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर, धनिया और जीरे का, दही, नमक डालें, पुदीना डालें। ऑप्शन में है अगर आप आलू डालना चाहें तो आलू डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे भी ये बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करें, ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, मसाला आपका यकजान होना चाहिए। अब आप इसको 10 से 15 मिनट पड़ा रहने दें, फिर हम इसके जो हैं पकौड़े बनाएंगे। देखें कढ़ी हमारी तैयार हो रही है, पकौड़ों का मसाला हमारा रेडी है, वो 10 मिनट तक पड़ा रहेगा तब हम पकौड़े बनाएंगे। और ये उबल के बाहर नहीं गई, मैंने तो मक्खन लगाया था, आप घी भी लगा सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। उसके अलावा आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करेंगे जब ये पलटा सा जैसे मैं कर रही हूँ, तो इससे ये जल्दी गाढ़ा होता है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, पेस्ट पड़ा हुआ था वो मैं पहले नहीं डाला, इसको मैं कोई भी सालन वगैरह बनाऊँ तो दरमियान में डालती हूँ, मसाले में नहीं डालती, क्योंकि फिर मसाले का टेस्ट जो है वो ज़रा कड़वा कड़वा हो जाता है। उसको हला दें, मिक्स कर दें। अब आप डाल दें मेथी, कसूरी मेथी घन में मैंने सुखाई हुई है, बहुत खुशबू और है इसकी। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं कि पकौड़ों में आलू हों या कढ़ी में हों, तो हम इसमें जो है इस टाइम बारीक बारीक काट के आलू जो है वो डाल देते हैं। देखिए दस मिनट में ये सॉफ्ट हो जाने अंदर, देखें आप गाढ़ी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तेल हमारा गर्म है तो हम बनाते हैं पकौड़े, सिंपल बेसन के पकौड़े हैं इसमें। बिस्मिल्लाह, पकौड़े फ्राई हो रहे हैं लेकिन हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे, जब ये हमें लगेगा कि हाफ हो गए हैं कुक तो हम इनको निकालेंगे। एक दफ़ा निकाल के इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे फिर दोबारा डालेंगे, इस तरह पकौड़ा अंदर से कच्चा नहीं रहता। हाफ कुक हैं, अब हम इनको निकालेंगे ऐसे सारों को एक दफ़ा में। ये मैंने स्टील की प्याली सी ले ली है, नीचे से देखें इसका पिंदा काफ़ी, थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, ये देखें हो गए। चलिए ये देखें इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कोई लिक्विड था तो वो अब अच्छे से पक जाएगा। पकौड़े आपके फ्राई हो गए, मसाला वो भी डाल लेते हैं। ये भी हाफ कुक हो गए हैं, बेसन पड़ा रहा है, देखें कितने ज़बरदस्त फूल गए हैं आपके पकौड़े। इनको भी पहले की तरह प्रेस कर लें। बस 1 से 2 मिनट करेंगे, ये भी हो गए हैं आपके, निकाल लेते हैं। ये जी
पकौड़े आपके तैयार हैं। देखें, अब मैंने इसमें से ये गरम मसाला और जो मोटे मोटा मसाला था हमारा प्याज वगैरह वो मैंने छान ली। ये देखें, एक दो आलू भी अंदर आ गए, आप निकाल सकते हैं दोबारा, ज़्यादातर आलू तो नीचे बैठ गए हैं, आप निकाल के दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन जो मोटा मसाला है सारा, जब आप ऐसे करके चमचा आराम से अंदर फेरेंगे, छलनी मैंने डाली है तो देखें सारा मोटा मसाला मिला, मुझे बड़ी ज़बरदस्त नीचे स्मूथ हमारे पास कड़ी बच गई। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पकौड़े। देखें जी, मज़े के पकौड़े। कड़ी हमारी तैयार है, पकौड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब जी हम लगाएंगे इसको तड़का। जो हमारा आखिरी काम है वो है जी तड़का लगाना। तड़का लगाएंगे, मैं लगाऊंगी देसी घी का तड़का। आप भी देसी घी का तड़का लगा के देखें कि कड़ी का टेस्ट कितना डिफरेंट होता है। मैं ये लूँगी, और साथ हमने जो ज़ीरा लिया था साबुत, वो मेरे पास 1 टेबल स्पून पड़ा हुआ है। हम मैं सिर्फ ज़ीरा का तड़का लगाऊँगी। तो अब हम लगाते हैं तड़का। इसको हम डाल देंगे देसी घी। इसको आपने गर्म कर लेना तेज़। जब ये तेज़ गर्म हो जाएगा, नीचे उतार के आपने इसके अंदर ज़ीरा डालना, ऊपर नहीं डालना क्योंकि ज़ीरा फ़ौरन जल जाएगा। ये देखें, देसी घी मेरा बहुत तेज़ मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा, मैंने उतार लिया है क्योंकि ज़ीरा अगर चूल्हे पे रख के मैं डालती ना तो ये ज़ीरा जल जाना था। अब आप देखें, आवाज़ तो आ रही होगी आपको इसके, ये उसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम डालेंगे कड़ी के ऊपर ज़ीरा, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी कड़ी इसमें डालें, चाटी की लस्सी से बनाई गई है। आप देखें, इसमें देसी घी का तड़का है कड़ी विद पकौड़ा, तो इसमें हम डालेंगे मक्खन। ये देखें जी, चलें जी अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये जी बिस्मिल्लाह, आप इसको बॉयल्ड चावलों के साथ भी खा के देखें, बॉयल्ड राइस के साथ बहुत टेस्टी लगेगी।